गणतंत्र दिवस में हम बना रहे हैं भट्टी। ये देखिए मस्त आग जली है और ये भटिया। क्या मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम आ चुकी है। तो कार्तिकेय लड्डू लेकर के आया है और स्कूल से आज लड्डू मिले भी इनको। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या आग जला दी हमने मस्त वाली। जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि फ्लैग वगैरह, हमारा देश का फ्लैग है और टोपी है, देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें रखी हैं मैंने और बैच भी रखा है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आज क्यों रखी हैं, क्योंकि आज है हमारा गणतंत्र दिवस मतलब कि रिपब्लिक डे। तो 75वां रिपब्लिक डे हम आज मना रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज 26 जनवरी को। तो ये मैंने पीछे इसलिए रखा है क्योंकि आज कार्तिक का डांस है स्कूल में, तो रिपब्लिक डे के दिन उसका एक डांस है। तो वो अभी ना थोड़ी देर में आपको कौन से गाने में डांस है वो आपको दिखाएगा और बताएगा और थोड़ा सा करके भी दिखाएगा कि वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है स्कूल में और कैसा वो डांस कर रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि वो कैसा कर रहा है। तो यहाँ पर रखे हैं दो बैंड जो कि उसे हाथों में पहनना है और यहाँ पर को इधर स्टिकर रखे हैं जो कि दोनों गालों में लगाने हैं। आई लव इंडिया का बैच रखा है और यहाँ पर जय हिंद के लिखी हुई टोपी रखी है, कैप वो जो कि पहनेगा। और यहाँ पर को रखे हैं दो फ्लैग, दो झंडे हैं हमारे भारत के। तो अभी आपको डांस करके दिखाएगा कार्तिकेय। कार्तिकेय अभी टीवी देख रहा है। और कार्तिकेय आज आप क्या है बेटा? डांस है, लेकिन आज है कौन सा डे? आज रिपब्लिक डे है। आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइस आज मेरा डांस भी है, मजा आएगा, आपको दिखाऊंगा भी। बाहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, पूरे तरीके से कोहरा लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये है मौसम का कुछ हाल। तो फ्रेंड्स यहाँ तो मौसम मॉर्निंग के वक्त ऐसे ही रहता है और अब थोड़ी देर में मतलब 1 या 2 बजेगा तो उसके बाद ही मौसम खुलता है कभी कभी भी। तो देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। तो बच्चे भी स्कूल जाने लग गए हैं और रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए। कार्तिक ना स्कूल में पहनेगा स्कूल के कपड़े, तो अभी अंदर से भी पहन के लेके आए जीन्स वगैरह, तो तभी इतना मोटा मोटा भी लग रहा है आज। तो ये जाएंगे और वहाँ भी टीवी में वही गणतंत्र दिवस की झांकी वगैरह दिखाई जाएगी अभी, तो वो देखेंगे। मम्मी जी का कुछ काम हो रहा है यहाँ पर को, देख सकते हैं क्या काम हो रहा है। ये देखिए गणतंत्र दिवस में हम बना रहे हैं भट्टी। ये देखिए ये है रिपब्लिक डे में आप सबको भट्टी खाने का निमंत्रण है। ये है काले भट्ट और जिनको जो है सिलबट्टे में पीस रही है मम्मी जी और आज भट्टी बनाने वाली है। जिस जिसको खाना है आ जाइए। और जो सिलबट्टे का जो स्वाद होता है ना, वाह, उसका तो कहना ही नहीं है। तो भाई आग में बनाएंगे, आज आग में बनाएंगे, चूल्हे में बनाई जाएंगे और दिखाएंगे आपको भी कैसे बनाई जाती है भट्टी। आज हमारे नाश्ते में चल रही है आज मैगी, रोटी, चाय और हरी सब्जी। तो हमारी ना आज हम मैगी खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे भटके डुबके। वहाँ भटके डुबके भी के लिए भी तैयारी चल रही है, यहाँ नाश्ते की तैयारी हो गई है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं परेड भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए परेड हो रही है यहाँ पे और अच्छा लगता है 26 जनवरी के दिन परेड देखना। तो और बाहर भी ना मम्मी जी लोगों का आग वाग जला दी है और भटिया भी पकाने के लिए रख दी है उसमें। ये देखिए आज बनेगी भटिया वो भी चूल्हे में। ये देखिए ये देखो मस्त आग जली है और ये भटिया ये देखो
हेलो ये मम्मी जी भटिया बना रही है आज चावल डाल के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रिपब्लिक डे हैप्पी रिपब्लिक डे मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ ये देखिए लेकिन थोड़ी देर में छट जाएंगे थोड़ी देर में जो है ना कोहरा हट जाएगा और थोड़ी धूप आएगी भटिया खाने के लिए आइए और भटिया खाइए मस्त तरीके से पहाड़ी हमारा भोजन पहाड़ी व्यंजन आग में पका के पालक की सब्जी बनेगी और धपोड़ेंगे फिर धपोड़ा धपोड़ होगी देखो कितनी देर तक अभी इसको पकाना पड़ेगा ना कितनी देर तक ऐसे 2 घंटे कम से कम 2 घंटे पकाना पड़ेगा हाँ तब टेस्ट हमारे क्या कहते हैं आपके यहाँ क्या बताना कमेंट में जरूर बताना कि आपके यहाँ क्या कहते हैं और हमारे यहाँ ना इसको भटिया कहा जाता है और भट के जो डुबके मतलब भट को जो पीसते हैं और उसमें इस तरीके से बनाते हैं और इसमें चावल डाला जाता था हमारे यहाँ भटिया कहते हैं गाँव में और आप क्या क्या कहते हैं हाँ देखो कितनी मस्त आग चली है और आग जला करके बना रहे हैं आज चूल्हे में भटिया और 26 जनवरी के दिन ये उत्सव मनाया जा रहा है हमारे यहाँ भटिया का निमंत्रण दे रहे हैं भाई हम तो हाँ भटिया का निमंत्रण है यस तब होंगे स्वाद बबलू लोग भी आ गए हैं आज और ये लोग भी ना आज घूमने के लिए जा रहे हैं तो इन लोगों के तो मजे आ रहे हैं भाई घूमने जाने के लिए तो भाई मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम आ चुकी है तो आप लोग भी देखिए तो क्या ये यूट्यूब इनकम है या नहीं है आप लोगों को भी पता चलेगा आप लोग देखिए ब्लॉग में और ये मैं अभी दे रही हूँ बबलू को फिर देख बबलू लोग तो घूमने जा रहे हैं भाई बबलू लोगों को इसलिए पैसे भी दे रहे हैं ये देखो इनको तो मजे आ रहे हैं भाई घूमने जा रहे हैं भाई देखो हमें छोड़ के अकेले गिन भी लेते हैं पर विश्वास नहीं है हम पे देखो विश्वास नहीं है कि हम बिल्कुल सही दे रहे हैं देखो नैनीताल घूमने जा रहे हैं आज कहाँ गई गाड़ी अच्छा गाड़ी इधर इधर ही है यहाँ तो आई है ये जा रहे हैं गाड़ी में मैं ना अभी पालक धो रही हूँ और पालक धो करके ना मुझे बड़ी पालक बनाना है अंदर और अभी दूध भी आ गया है तो इसे भी गर्म करना होगा बहुत सारे काम हो रखे हैं एक साथ तो इसको पहले धोती हूँ बनाती हूँ बड़ी पालक भी तो अभी भुना जा रहा है यहाँ मुद्दे का आटा और बड़ी भी ले आई हूँ मैं और सब्जी मैंने काट के रख दी है पालक की सब्जी तो भाई बनाएंगे मस्त तरीके से बड़ी पालक तो हर्षित आ गया है स्कूल से और क्या लाया हर्षित अपने लिए क्या मिला आज क्या मिला ये तो घर से ले गया था शायद है ना घर से नहीं ले गया था क्या मिला मस्त बैग में लड्डू लेके आया है और खुद इनका लौटा इनके लिए लड्डू फड्डू कुछ नहीं लाया देखो कितनी बड़ी बेइज्जती कर दी इसने है ना बेइज्जती कर दी ना अपने पापा की है ना ये देखो झंडा चमक रहा हमारे लौटे का तो आज ये देखो झांकी भी निकल रही है देखो कितनी मस्त वाली झांकी आ रही है तो भाई ये गए बड़ी और बड़ी फ्राई करेंगे इसमें मस्त तरीके से और बनाई जाएगी आज पहाड़ी भोजन ये देखो कार्तिकी कैसा हो बेटा डांस
अच्छा हुआ सबने आपको क्लैपिंग करी थी, हैं करी थी हैं। मेरा बेटा, मेरे बेटे ने आज डांस किया निकल गया। तो कार्तिक के लड्डू लेकर के आया है और स्कूल से आज लड्डू मिले अभी इनको। तो कार्तिक ने ना इसको खोला भी नहीं है अभी तक, ये देखो कार्तिक अभी खोल रहा है। घर को लाने का शौक लगा था। किसके लिए लाया वैसे, किसके लिए लाया लड्डू? मेरे लिए। और जो खाता है, जो खाता है कौन खाता है सबसे ज़्यादा? चाचा। चाचा के लिए लाया होगा पक्का, है ना? चाचा खाते करके चाचा के लिए लड्डू लाया है ये स्कूल से। मैं नहीं खाता हूँ। आप तो सबसे ज्यादा लड्डू खाते हो भाई। ये देखो टू लड्डू मिले हैं स्कूल से। ये एक देखो। आप दे दो पापा को, एक चाचा को दे देता हूँ। आप ही दे दो, आमा लोगों को भी दो, सबको दो, थोड़ा थोड़ा दो ना, सबको दे दो। तो बड़ी पालक की सब्जी बन करके तैयार हो गई है, यहाँ चावल बन गए हैं और अब चलते हैं भट्टी की ओर। तो हल्के हल्के आंचों में ना भट्टी पकने में है और कलर देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, ये देख सकते हैं आप। वाह क्या शानदार लग रहे हैं अब। और भाई किस किस को हो रहा है भट्टी खाने का मन, तो जल्दी जल्दी आओ भाई। ओ गाँव वालों आओ भाई, भट्टी खाओ। एक ही डिमांड आ गई, देखो डिमांड। ये देखो ऐसा हो रहा है और धीमे धीमे आँच में पक रहा है। देखो हल्की आँच कर रखी है, एक घंटा और उसमें पक रहा है। एक घंटा इसको हो गया पकाते पकाते, अभी एक घंटा और पकेगा। ये देखो अभी एक घंटा और पकना है इसको। तो देखियो अभी इसका इतना अच्छा कलर आ गया है, तो देखना अभी पकने के बाद कितने बढ़िया लगेंगे भाई। आहा स्वाद हो रहा। रे आओ भट्टी खाने रे, आओ 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 रे गांव वालों, भट्टी खाने आओ। ये देखो वाह, हमारे तो मुखम पाणा गो यार, तुम मतलब आरछो खाओ खाओ। ये देखो भट्टी का स्वाद, उसको कहते हैं भट्टी। जब खाएंगे तब दिखाएंगे आपको। धपक धपड़क होगी रे। पक करके रेडी हो गई है और बच्चे धपड़ने लगे भाई। कैसे हो रहा बेटा, कैसे बनाया हमने, कैसा हुआ? बढ़िया ना। फिर ये हमारा पहाड़ी डिश है, पता है आपको? ये पहाड़ी डिश खानी चाहिए मस्त वाली, ये तो अच्छा लगता है गर्मा गर्म। पकड़ो। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं भाई भटिया खाने के लिए, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए बड़ी की सब्जी और यहाँ देखिए भटिया और भात। धपोड़ा धपोड़ करते हैं, आप चखते हैं पहले कैसा हो रहा है। पानी आ रहा है यार मेरे, तो आपके भी आ रहा होगा। वाह बहुत टेस्टी हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा, मजा आ गया। खाते हैं फिर मिलते हैं वापस। तो फ्रेंड्स धूप सेकने के बाद भाई अब हो गया है कपड़े उठाने का टाइम। तो कपड़े भी देख ही सकते हैं आप, इतने ढेर हो जाते हैं आजकल तो जाड़ में कहने नहीं है। कपड़े वगैरह ले जाते हैं, इनको तय करते हैं और रखते हैं। फ्रेंड्स शाम का वक्त है और चाय बन करके रेडी हो गई है, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। और हमारी यहाँ पर तो प्याज की सब्जी बन रही है अब, जो कि मट्ठे वाली बनेगी। और यहाँ पर तो मट्ठा निकाल दिया है, दही निकाल करके रख दिया है, इसमें भी दही है। देखिए तो दही वाली बनाएंगे, मट्ठे वाली मस्त वाली जो प्याज पे डाल करके बनाते हैं। और मेनू का कट रहा है ये भिंडी, बहुत दिन हो गया भिंडी की सब्जी बना रहे हैं,
मतलब कल को बनेगी सुबह। और भिंडी के नाम पे गाजर खिलाया जा रहा है, देखो ढेर सारा गाजर काट दिया है और भिंडी तो भाई थोड़ी सी हो रखी है, तो देख सकते हैं ऐसा भी होता है। क्योंकि भाई आजकल भिंडी इतनी महंगी होती तो इतनी सारी तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही है, या तो प्याज बहुत सारा डालना पड़ेगा या तो गाजर बहुत सारा डालना पड़ेगा। तो हमारा ना गाजर और प्याज डाल दें बहुत सारा, तो बनाते सब्जी वगैरह और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो कार्तिक के पापा ने मुझे आज चैलेंज किया है कि तू आग नहीं जला पाएगी चूल्हे में, लेकिन मैं आज चूल्हे में आग जला के रहूँगी और कार्तिक के पापा को दिखाऊँगी कैसे चलती है। यहाँ पे लगा, मैंने इसमें लगा आज ही इसके पापा कह रहे हैं उसमें बनाओ लाइटर, देखो हमारा लाइटर भी खतरनाक लाए हैं हम। देखो ऐसी ऐसी बात हो रही है क्या, आग जलाने के लिए कितना भयंकर लाइटर लेकर के आए हैं हम। जल गई भाई, जल गई आग जल गई। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या आग जला दी हमने मस्त वाली, गजब। अब ना हमारे मूली के पराठे बनने हैं आज भाई, आज बनेंगे देखो चूल्हे में मूली के पराठे, मूली के पराठे बनेंगे भाई मस्त वाले। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे मूली के पराठे बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ मट्ठी की सब्जी और यहाँ चटनी, वाह क्या शानदार हो रखा है और क्या मस्त हम बना रहे हैं। तो हम चूल्हे में खाना बना करके ना अंदर आ गए हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर को जल्दी रोटी ठंडी हो जाती है। ये देख सकते हैं ये हमारे पराठे बन करके रेडी हो गए हैं, मूली के पराठे हमने बनाए हैं मस्त वाले। उसके बाद बनाइए मट्ठे की सब्जी, यहाँ पर देखिए चावल भी गर्म कर दिया है, वो भी हरी सब्जी भी गर्म करी है उसमें, और ये है चटनी, खट्टी चटनी मस्त वाली पुदीने वाली। और यहाँ पर हमने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी अभी, क्योंकि भाई मूली के पराठों के साथ तो कॉफ़ी अच्छी लगती है या चाय अच्छी लगती है। तो खाते हैं खाना और आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।